इससे बड़ा भद्दा मजाक जन समाज के अंदर क्या हो सकता है। उस महिला को बिठाया जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। मैं पंजाबियों का बढ़ाया हुआ नहीं हूँ, मैं तो संघ ने बढ़ाया हूँ और मैं संघ का आदमी। ये कहना कि इसको पीटो और बाहर निकालो, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो पुलिस में पर्चा दर्ज कराऊ। एक सरपंच इलेक्टेड महिला के साथ आप मिसबिहेव कर दिए, उसने अपना दुपट्टा जो सर पे रखा हुआ था वो उतार के मुख्यमंत्री के सामने टेबल पे कह, ये तो पीटने की बात एक मुख्यमंत्री कह रहा है। और मुख्यमंत्री के कहने उनका तो चीफ मिनिस्टर का कहा हुआ शब्द अगर मान लिया जाए। देखिए ये एक जनसंवाद भी एक मजाक बन के रह गया। क्या जनसंवाद है? मुख्यमंत्री जनसंवाद में जा रहे हैं और जनसंवाद का मतलब ये होता है कि ये लोग अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष बड़े तरीके से सलीके से रखें। मैं पिछले 3 दिनों से ये मुख्यमंत्री के जनसंवाद को देख रहा हूं। एक दिन तो एक दलित महिला बेचारी दुखी पीड़ित वो आके उस जनसंवाद के अंदर मुख्यमंत्री जी को ये कहती है कि मेरे 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 पति की मौत हो गई और नशे की वजह से हो गई और उसके लिए सरकार क्या, मैं एक गरीब औरत हूं, एक नशे को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या फार्मूले अडॉप्ट किए हैं। और मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये कोई ना कोई किसी राजनीति से प्रेरित होकर ये महिला आई है। इससे बड़ा भद्दा मजाक जनसंवाद के अंदर क्या हो सकता है? उस महिला को बिठाया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद दूसरे दिन एक सरपंच इलेक्टेड सरपंच एक महिला वहां पर पेश होती है, वो अपनी प्रॉब्लम को अपने गांव की प्रॉब्लम्स को उनके समक्ष रखने की पेशकश करती है और मुख्यमंत्री उनको क्या कहते हैं? अब चलिए। उनका बिहेवियर इतना अनकॉल्ड फॉर था, तब उस महिला को सरपंचनी को यह कहना पड़ा कि एक तरफ तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो और दूसरी तरफ इस तरह से एक सरपंच इलेक्टेड महिला के साथ आप मिसबिहेव करते हो। उसने अपना दुपट्टा जो सर पे रखा हुआ था वो उतार के मुख्यमंत्री के सामने टेबल पे फेंक दिया। ये जनसंवाद है। तीसरे दिन एक कार्यकर्ता को ये कह के उसको बेइज्जत किया जाता है कि चलो इसको निकालो, ये आप पार्टी का कार्यकर्ता है, ये उनका सिखाया हुआ यहां पर बिठा रखा है, इसको पीटो और इसको बाहर लेके जाओ। ये एक मुख्यमंत्री, मैं तो ये कहता हूं किसी को थ्रेट दिया जाए उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। ये तो पीटने की बात एक मुख्यमंत्री कह रहा है और मुख्यमंत्री के कहने उनका तो चीफ मिनिस्टर का कहा हुआ शब्द अगर मान लिया जाए तो उसकी तो पिटाई भी हुई होगी, तो फिर तो मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री है इसलिए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं तो ये कहता हूं, मुझे कहते हुए शर्म आती है, हमने बड़ा जोर बड़े प्रचार बड़े जुलूस और बड़ी मुशक्कत करके हमने ये कहा था हमारे समाज का आदमी भी हरियाणा बनने के बाद पंजाबी समाज का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री को मिलने के लिए गया तो मुख्यमंत्री उनको क्या जवाब देते हैं? मैं पंजाबियों का बनाया हुआ नहीं हूं, मैं तो संघ ने बनाया हूं और मैं संघ का आदमी। जो एक मुख्यमंत्री की इस किस्म की टिप्पणी हो तो मैं क्या उनके मुतालिक क्या बयान करूं, फिर लोग वही बात कहेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूं आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप कॉरपोरेशन में चले जाओ, चलो आपको रोहतक लेके चलता हूं, बैठो मेरी गाड़ी में। मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना इट इज एक जाब्ता फौजदारी के अंदर आता है, ये इट इज ए पीनल ऑफेंस। ये कहना कि इसको पीटो और बाहर निकालो, मैं तो ये कहता हूं कि मैं तो बाहर गया हुआ था, मैं तो पुलिस में पर्चा दर्ज कराऊं, ये एक इशू खड़ा हो जाए। एक मुख्यमंत्री इस भाषा का इस्तेमाल करे।